नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। अक्सर लोग अंडे का सेवन उसका स्वाद के लिए करते हैं। कुछ लोग इसे फ्राई करके खाते हैं तो कुछ लोग बॉयल करके खाते हैं, और कुछ लोग कच्चा अंडा तो सेहत के लिए अच्छा है करके खाते हैं। इनमें से कुछ लोग अंडे को वजन घटाने बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। अंडे का ठीक से इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर में मसल्स को बढ़ाता है, और साथ ही साथ शरीर में बढ़ा हुआ चर्बी को भी कम करने में बहुत मदद करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चा अंडा, बॉयल अंडा और फ्राइड अंडा में क्या फर्क है और हमारे सेहत के लिए कौन सा अच्छा है। इसको समझने के लिए हम पहले अंडे का न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और अगर इसके येल्लो पोर्शन को निकाल दिया जाए तो इसका व्हाइट पोर्शन में फैट फ्री कोलेस्ट्रॉल और प्योर प्रोटीन हमको मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है ये व्हाइट वाला पोर्शन। और यही वजह है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। एक कच्चा अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम इसके व्हाइट वाला हिस्से में होता है और 2 ग्राम इसके येलो वाला हिस्से में मौजूद होता है। अंडे को बॉयल या फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन के मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे का फ्राई करने के लिए कौन सा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तेल को कितना मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडे में सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया, और उसका नाम है साल्मोनिल। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया के वजह से शरीर में फूड पॉइजनिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और जैसे कि पेट दर्द, लूज मोशन, सिर दर्द, वॉमिट और फीवर आने जैसा समस्या शुरू हो सकता है। कच्चा अंडे का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि कच्चा अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हो पाता है, और बाकी हमारा मल से निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है, जो कि अंडे को बॉयल करके सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला 90% प्रोटीन हमारा शरीर में अब्सॉर्ब होता है। और हाई टेम्परेचर में पकने के वजह से इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी नाश हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें कच्चा अंडा खाने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को शरीर में अब्सॉर्ब होने से रोकता है। अगर इसको रेगुलर सेवन करते हैं तो हमारा शरीर में धीरे धीरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होने लगता है, और जिससे स्किन रैशेस, बालों का जड़ना, नींद ना आना और कई तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि अंडों को बॉयल या फ्राई करके ही खाना चाहिए। अंडे का व्हाइट पोर्शन आपको प्योर प्रोटीन्स देता है, इसलिए इसको एक्सरसाइज के पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन ब्रेक डाउन मसल को रिपेयर में मदद करता है। अगर आप फ्राइड या बॉयल्ड अंडे की येलो पोर्शन के साथ खाना चाहते हैं तो इसे सेवन करने का सही समय है ब्रेकफास्ट, यानी कि आप इसे नाश्ते में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ज़रूरी अमीनो एसिड और हेल्थी फैट मिल जाता है, जिससे हमारा बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारे ये टॉपिक। मानते हैं कि ये टॉपिक आपको मदद आएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।